हाय गाइस, एक बार फिर से मैं सर मौर्या आपका हमारे चैनल सो मिश्री एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आजकल जो कि हम लोग जो कि केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो कि मैंने शुरू किया, अगर आपने पार्ट वन जो कि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर आप लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर मैं जो कि एक लिखित नोट्स आपको जो कि प्रोवाइड करता हूँ हमेशा की तरह, इस बार भी प्रोवाइड करूँगा और आप जो कि आसानी से उन्हें अपने नोट्स बना सकते हैं उन्हें देखकर। तो फिर वीडियो को 1% भी स्किप मत करना, वरना वीडियो आपका आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो बाद में आप कमेंट करोगे कि भैया हमें कमेंट में कम हमें मतलब समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो हम मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँ क्योंकि टाइम इज द प्रीसियस, क्योंकि समय जो है कीमती होता है हमेशा। ठीक है, यानी तो मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, सीधे वीडियो पे चलता हूँ, सीधे आपको अपने कॉपी पे चलता हूँ और वहाँ पर आपको सारे जो कि चैप्टर्स जो कि मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से आगे से पढ़ाऊँगा। पार्ट वन लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सिंपल देख सकते हो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने जो कि सेल स्ट्रेंथ जो कि स्टडी कर लिया था, फिर उसके बाद जो बात आती है तुल्यांक की चालकता, ये इंपॉर्टेंट है जो कि ये हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करते चलो कि क्या क्या मैं इंपॉर्टेंट बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसे 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांक की चालकता का क्या करना है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की वह चालकता, आपको सिंपल कह रहे हैं किसी विलयन की विद्युत अपघट्य विलयन की वह चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, अब मोलर चालकता क्या होगी, 1 मोलर ग्राम विद्युत अपघट्य घुला हो तो वह मोलर चालकता होगी, यहाँ पर तुल्यांक की चालकता। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो क्या होगा, वह तुल्यांक की चालकता, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये लैम्डा है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाएगा, लैम्डा चिन्ह तो बता दिया। ठीक है, और यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में VML आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तब तुल्यांक की चालकता क्या होगी, लैम्डा आर इक्वल टू के इंटू वी, के यहाँ पर क्या है, कापा, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, अब जो भी कह लो, के बराबर क्या होता है, 1/ρ, रो बराबर क्या होता है, RA/L, ऐसा सूत्र जो कि मैंने आपको कल पढ़ाए हुए थे, आपको आई थिंक याद होगा। ठीक है, पार्ट वन वीडियो मैंने सारे जो कि सूत्र बताए, अगर आप नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, फिर आप सेकंड पार्ट ही देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा तो आप कमेंट करोगे। अतः किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक की चालकता उस विलयन में क्या करना है, किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उसमें मतलब उसकी विशिष्ट चालकता के और उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप समझ जाओगे। यानी किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक की चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, और वी बराबर क्या होता है, 1/C, ये लीटर में है। ठीक है, एल मान लो कैपिटल कर ले, ml हमेशा ऐसे होता है। ठीक है, फिर भी बराबर 1000 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, फिर 1000/N कर दिया गया, ये नॉर्मलता के। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर जो कि सी क्या है, विलयन की सांद्रता है। ठीक है, यहाँ सी विलयन की सांद्रता जो कि प्रति लीटर मात्रा में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक रखती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक यहाँ से हम निकालेंगे, इसका मात्रक क्या होता है याद नहीं है, तो अगली बार जो कि ट्रिक बताई थी आप उस वीडियो में देख लें, सिंपल है, इस बार बता देते हो सीधे, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, और इसका मात्रक क्या होगा, तुल्यांक इनवर्स या लीटर इनवर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ से लोगे तुल्यांक इनवर्स, जो कि लीटर नहीं कहोगे। ठीक है, यहाँ से मात्रक हम इसे निकालो। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। ठीक है, और इसका क्या है, तुल्यांक प्रति में यानी तुल्यांक इनवर्स, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ओम की जगह महो कर सकते हो, महो इनवर्स, सीमेंस भी कर सकते हो, सीमेंस मीटर या मीटर स्क्वायर, उसके बाद तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, ये मात्रक हो गया। अब बात करते हैं मोलर चालकता की। ठीक है, मोलर चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य में उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु का विद्युत अपघट्य घुला हो, आणविक या मोलर चालकता कहलाता है। तो मोलर चालकता भी वही होता है। ठीक है, सेम डिफरेंस तुल्यांक की चालकता में, किसी माना किसी विलयन में वे आयतन में जो कि 1 मोल घुला हो तो म्यू, इसे मोलर चालकता को हम म्यू से प्रदर्शित करें, इसे क्या कहते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू बराबर के इंटू वी, सेम प्रोसेस, सेम चीज, सेम हुई,
बस वहाँ नॉर्मलता थी, यहाँ मोलरता हो जाएगी, ठीक है। के बराबर वन पर यहाँ पवन 1000 अपान c हो गया। अगली बार की तरह सिंपल लेना, क्योंकि यहाँ चूंकि आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि v बराबर 1/c लीटर में है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर मोलर चाल लगता है, आप इसे m r इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ m क्या विद्युत अवकट विलयन की मोलरता, c मोलर सांद्रता, इसका मात्र क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। मो या सीमेंस मीटर इसका, यहाँ पर सारे मात्रक मैंने बहुत सारे आपने लिख दिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट, जो अब मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको दे देता हूँ, ताकि आप आसानी से इसी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, आगे आकर परेशानी कुछ ना हो कि हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाएगा, तो कुछ न्यूमेरिकल भी हमेशा की तरह मैं सॉल्व कर। सॉल्यूशन चैप्टर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल थे, उसमें भी बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा मैंने न्यूमेरिकल तबक बताया दिया था, आपको आसानी से आ गया होगा। नहीं आया कुछ न्यूमेरिकल नहीं आया, तो वहाँ पर आप वीडियो, उस वीडियो में जाके कमेंट करना कि हमें ये न्यूमेरिकल आप बता दीजिए, तो मैं इस वीडियो यहाँ पर एक अलग छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसका, और वहाँ पर आपको सॉल्व कर भेज दूंगा, ठीक है। तो सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी लवर के n अपान 10 विलयन की प्रतिरोधकता 32 ओम है, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, यानी यल ये इतना दिया, क्षेत्रफल जो कि 5.4 cm², यानी ए स्मॉल ए। तो विलयन की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांक की चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है, के बराबर 1/ρ, ठीक है, एक फार्मूला होता है। तो रो बराबर क्या होता है, 1RA/L, तो यल ऊपर आ जाएगा, ये यल हो गया, और आर ए, ये फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर समझने के लिए आपको लिख देता हूँ कि रो बराबर RA/L ये स्मॉल ए, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर जो कि अलग अलग कर दिया गया आर, इन चीज़ों को ऊपर, ये चीज़ ऊपर चल जाएंगी, तो यही के बराबर आपको यही मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ पर रख के चेक कर लेना। आर का मान क्या दिया है, 32 ओम का प्रतिरोध है, 1.L का मान ये है 1.8 cm और 5.4, तो 18, 36, 36, 54, 3 गया, ठीक है। और 30 का इंटू कर दो, यानी 3 × 6, 3 × 9, यानी 196, 1/96, तो भाग कर दोगे आपका यही आ जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक है, सिंपल है। अब तुल्यांक की चालकता कैसे निकालेंगे, तुल्यांक की चालकता के लिए हम क्या करेंगे कि तुल्यांक की चालकता किसे प्रदर्शित करते हैं, आप लोग मन में रिवाइव करते हैं, ताकि आपको आसानी से याद है कि हाँ तुल्यांक की चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग रिवाइव कर लियोगे आई थिंक, तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, के इंटू वी, जो कि इसका फार्मूला, के का मान जो कि हमें क्या इतना मिला है, 0.01041 इंटू वी का मान कितना दिया गया है, वी में नहीं दिया गया, नॉर्मलता दी गई है, तो नॉर्मलता यहाँ पर कितनी आई थी, अगली बार की तरह जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में जैसे 1/10 था, तो इसका क्या नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, 1/10 आर इक्वल टू 0.1, ठीक है, नॉर्मलता दिए, तो इसका सूत्र था 1000, यानी ये कर लेते हैं 1000/n, ठीक है, ये सूत्र प्रयोग कर देंगे, तो 1000/n कितना दिया है, 0.1, तो एक और ऊपर जीरो लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी आ जाएगा, सिंपल सी बात आ जाएगी, 104.1 क्या आ जाएगा, मात्र क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर जो कि मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, यहाँ पर सॉल्व आपको दिखा दिया दोबारा तरह से सॉल्व करके, ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप कोई वीडियो पॉज कर लीजिए, आप आसानी से लिख ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा सवाल आता है, अब ये जो कि दूसरा सवाल है, आप यहाँ देख सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के n/30 n नॉर्मलता कितनी है, 50 है, 1/50 बिलियन वाली सेल की विशिष्ट चालकता तो इतना है, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल का स्थिरांक की गणना करनी, ठीक है, तो हम सेल स्थिरांक की गणना करनी, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान फार्मूले से हो जाएगा। तो पहले क्या क्या दिया, n बराबर 1/50 दिया है, ठीक है, r का मान है 400 ओम, और विशिष्ट चालक है, तो k बराबर है 0.002765, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, k बराबर 1/r × l/a, l/a क्या है यहाँ पर, इसका मान क्या होता है, x सेल स्थिरांक, ठीक है, तो यहाँ पर हमने x रख दिया 400 मान यहाँ पर, और ये k का मान हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल, इसका गुणा इंटू इधर कर दिया, तो x बराबर आपको इतना मान मिल जाएगा, ठीक है।
सिंपल है, क्लियर है, आसान है, आसान है यार। वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी एक लाइक मार दो, फ्री है यार, नो पैसा, बिल्कुल फ्री है, लाइक करो। और अगर चैनल पर नए यार सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है? ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन है उस पर क्लिक कर दो, ग्रे कलर का हो जाएगा, फिर बेल आएगा, बेल वाले क्लिक कर देना, ठीक है? कर दो भाई प्लीज़, फ्री है यार, एक रुपये नहीं लगेगा। फिर अगला जो कि टॉपिक है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले बात आती है ताप। ताप क्या है? अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी तो बढ़ेगी। ताप बढ़ाने के साथ साथ आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उनकी गतिशीलता भी क्या होगी, वृद्धि होगी, गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे उनकी चालकता भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझो किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ में क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वह चीज़ जो कि उसमें जो अणु होंगे वह गति करने लगेंगे, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है? फिर आयनों के विलयीकरण पर, ठीक है, आयनों के साथ विलायक के अणुओं का जुड़ना विलयीकरण कहलाता है। जब कोई आयन होंगे उसमें विलायक के पार्टिकल्स यानी अणु जो होंगे मिलेंगे, तो उसे उसको हम क्या कहते हैं, विलायकीकरण, ठीक है, विलायकीकरण। विलायकी से तात्पर्य विलायक के कणों का जुड़ना, आयन में विलायक के कणों का जुड़ना, ठीक है, तथा विलायकीकृत आयनों का आकार बढ़ने के कारण उसकी चालकता क्या होती है, घटती है। जब उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिलाएंगे तो उसकी गति क्या होगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, गति कम होगी तो चालकता भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है? सिंपल चीज़ें, आप लॉजिक बस सिंपल चीज़ें, लॉजिक हमेशा सिंपल सिंपल समझो, ठीक है? आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर, ठीक है, अगर उनके मध्य जो कि बल जितनी ज़्यादा हम लगाएंगे तो चालकत्व तो क्या होगा, अणु की गति क्या होगी, कम होगी, तो वो अभी चालकत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? क्या लिखा है देख लेते हैं, पूरा एक बार पढ़ लीजिए, आप फेयर बनाएंगे, ठीक है? आयनों के मध्य लगने वाले बल के जितना प्रबल होगा उनकी गतिशीलता उतनी ही कम हो जाएगा, तो उनका जो चालकत्व तो होगा कम हो जाएगा, ठीक है? बस वही सिंपल चीज है, सेम चीज़ें हैं, कुछ बदला नहीं है, ठीक है? फिर तनुता हमेशा अगर बढ़ेगी तो बढ़ेगा और घटेगी घटेगा, सिंपल सी बात होती है, तो आपको पता ही होगा। तनुता बढ़ने पर किसी विलयन के आयनों की संख्या बढ़ती है, उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, तनु विलयन, ठीक, यही चीज़ें, गतिशीलता बढ़ी तो हम सीधे कह सकते हैं चालकता बढ़ेगी। तनुता बढ़ने का मतलब है आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाना, ठीक है? आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी तो क्या होगा, गतिशीलता बढ़ती चली जाएगी, और गतिशीलता अगर बढ़ी तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोलाउस का नियम जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लो, ठीक है? तो अब हम इसका सीधे नियम देखेंगे। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान यानी लैम्डा इन्फाइनाइट उसके धन उसमें उपस्थित धन आयनों और ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है, ठीक है? तो लैम यानी दोनों का योग, जितने धन आयन होंगे जितने ऋण आयन होंगे दोनों का योग के बराबर होगा। यानी जो उसमें बात आई थी, तो लैम्डा इन्फाइनाइट विद्युत अपघट में लैम्डा इन्फाइनाइट प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट माइनस, इन दोनों का योग क्या हो किसके बराबर होगा, उस विलयन की अनंत तनुता पर उसकी चालकता तुल्यांक की चालकता के मान के बराबर होगा, ठीक है? जैसे हम मान लेते हैं जैसे लैम्डा इन्फाइनाइट AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, तो उसमें क्या करेंगे, इस विलयन को अगर हम ये डायरेक्शन ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बराबर के चिन्ह रखेंगे, तो लैम्डा इन्फाइनाइट Ag+ लैम्डा इन्फाइनाइट NO3 माइनस, दोनों के योग यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, ठीक है? यहाँ पर जो पॉजिटिव हो गया यानी प्लस आयन और यहाँ माइनस है, दोनों के योग के बराबर उनकी विशिष्ट चालकता की तुल्यांकी चालकता होगी। तो लैम्डा जैसे CH3CO एसिडिक अम्ल है, इसमें क्या होता है, CH3COO माइनस में H+ जो कि पॉजिटिव टूटता है, ठीक है? आगे पीछे लिख देंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कि आप कहेंगे कि H+ को आपने पीछे क्यों लिखा, पीछे क्यों लिखा और एस को आगे क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? BaCl2, अब इसे आप कैसे लिखोगे, वो कन्फ्यूज देंगे, यहाँ पर हम दो लगा देते हैं, ये लोग गलत कर देते हैं, ठीक है? हाफ यहाँ पर लगेगा, ये आधा है, ये इसका आधा है, तो यहाँ पर हाफ भी ये यह पॉजिटिव है, तो एक आयन इसके साथ कट जाएगा, तो आर इक्वल टू हो गए ना, दोनों आयन बराबर हो गए। यहाँ भी दो लगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे आपको करना चाहिए, ठीक है? जो नेक्स्ट टॉपिक फिर आप बात होती है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है?
पहला इलेक्ट्रिक विभव देख लेते हैं फिर मानक लिखते हैं। दोनों सेम ही है बस एक में टेम्परेचर का अंतर आ जाता है यानी 25 डिग्री जो कि मानक में आ जाता है। तो सिंपली क्या कहते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड की सतह तथा इलेक्ट्रोड को छूने वाली विलयन की सतह के बीच जो कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड, मतलब अगर जब हम किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत इलेक्ट्रोड को जो कि इलेक्ट्रोड को जो कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड को जो कि विद्युत अपघट विलयन में डुबोते हैं यानी डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड की जो सतह होती है यानी पानी जो सतह होती है तो उनको और छूने वाले विलयन की सतह दोनों की सतह के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उनमें क्या कहते हैं उसे उस जो विभवांतर होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और यही इलेक्ट्रोड विभव अगर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है ठीक है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर की छड़ पर विलयन के सापेक्ष धनावेश आ जाता है और कॉपर की छड़ व विलयन की सतह के बीच ऋणावेश के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है देख लीजिए आप लोग जल्दी से। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु के इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रता में विद्युत अपघट के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव उस अर्धशील का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, वही चीज मैंने पहले ही बता दिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड विभव पर होने वाले अभिक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के, दो ऑक्सीकरण विभव और दूसरा अपचयन विभव। ऑक्सीकरण क्या विभव क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो वो ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले डिफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य कोई विभवांतर जो उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, और जब यही जो कि इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा होगा तब जो कि इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को हम क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, इसे ईओपी और उसे ईआरपी यानी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन पोटेंशियल ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो कि त्याग रहा जो कि ऑक्सीकरण होगा। तो अपचयन विभव जब किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं, इसे ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो आता है वह है नर्ट समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो यूपी बोर्ड का मेन एग्जाम होता है वो उसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। ठीक है, तो प्रत्येक सेल में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल मैं तरीके से आपको बहुत शॉर्ट में जो कि लिख कर बताया। आप ऐसा अगर एग्जैक्ट जाकर वहाँ पर लिख देते हो बोर्ड में पेपर में तो सिंपली आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप ये वीडियो पूरा देख लेना। तो इसमें जो कि उन्होंने ई और ई जीरो में जो कि संबंध बताया यानी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताया, ये इलेक्ट्रोड विभव और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सिंपल आप यहाँ पर देखिए, प्रत्येक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं जिसे हम एक अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण दूसरे पर अपचयन होता है, ये आपको पता है। इनके इलेक्ट्रोड विभव क्रम से ईओपी और ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं। नर्स ने किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे हम जो कि नर्स समीकरण के नाम से जानते हैं या कहते हैं। बात देखिए, तो किसी धातु के लिए जो कि यम यम प्लस ये ऑक्सीकरण, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण विभव हो रहा है। ठीक है, और ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर ले रहा है समझ लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया गया है तो इस पर क्या हो गया है, इस पर क्या हुआ है, अपचयन विभव हुआ है। ठीक है, इस पर जो कि अपचयन विभव हो गया है। फिर उसके बाद जो बात आती है, फिर उसके बाद देखिए नर्स ने क्या समीकरण दिया, वो समीकरण आप सिंपल देख सकते हो, ई ओ पी बराबर ई जीरो ओ पी माइनस आर टी अपान एन एफ लॉग ओ एस आर एस अपान आर एस। ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगा, इस पर कुछ सवाल भी सॉल्व कराऊंगा जो कि विद्युत विवाहक बल जो कि आपको निकालने में बहुत ही मदद करेंगे, सारे सूत्र आप याद रखिए, अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो कि क्या होता है, सिंपल है, ई ओ पी में माइनस यहाँ पर होता है, ई आर पी में यहाँ प्लस होता है, सिंपल वही चीज़ आप देख सकते हो, ई आर पी बस यहाँ पर लग जाएगी, ई ओ पी की जगह ई आर पी, सब सेम सूत्र है, यही सूत्र आपको आगे भी काम आएगा। तो जहाँ ई ओ पी का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ई जीरो ओ पी क्या है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, यही अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ई ओ पी आर पी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, जहाँ आर क्या है, मोलर गैस स्थिरांक है, और उसके बाद
और जहाँ टी क्या है, टी यहाँ पर क्या है आपका ताप है, यन क्या है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फैराडे नियतांक। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगी, आइए आके मैं आपको बताऊंगा फैराडे नियतांक का मान होता है 26,500 और आर का मान होता है 0.0821। ठीक है, आगे आपको उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ई ओ पी बराबर ई ओ पी माइनस आर टी, इस प्रकार मतलब इन सभी को आप सॉल्व करोगे 2.30 आर टी एन टी लॉग 10, लॉग बेस में ई का लॉग, इसी का मान जो होता है यही मान होता है 0.30 लॉग 10। ठीक है, बेस में ई का मान यही हो जाता है। तो इसे निश्चित रूप से कुछ इन्हें अगर इन सभी का मान एक निश्चित ताप अगर हम रख ले तो इन सभी को सॉल्व करने में हमें 0. यहाँ पर जो कि इतना मान आएगा 0.59, ये इनको छोड़ दिया जाए और सारी चीज़ें जो कि यही आएंगी। ठीक है, ई ओ पी माइनस ई ओ पी एस ए सी, ठीक है, ई ओ पी ई ओ पी बराबर ई जीरो ओ पी माइनस 0.059 अपान ये लॉग 10 लॉग 10 ओ एस अपान आर एस, और उसके बाद उसके जो कि क्या आ जाएगा, मतलब ये तो ऑक्सीकरण के लिए हो गया, एक दूसरा ऑप्शन के लिए क्या होगा, ई आर पी आर इक्वल टू ई जीरो आर पी प्लस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, मैंने बताया इसमें पॉजिटिव है 0.059 अपान एन लॉग 10 ओ एस अपान आर एस। ठीक है, आगे मैं लिखाऊँ लेकिन अभी मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, तो मैं आज से वीडियो जो कि यहीं पर समाप्त करूँगा। ठीक है, ये सारे सूत्र आप यहाँ प्लस क्यों लगा है, क्योंकि अपचयन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन क्या हुआ त्यागा जाता है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, और इसमें क्या है ऑक्सीकरण ग्रहण, ऋण आवेश हमेशा लिया जाता है इसमें प्रधान आवेश। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आज का जो फ्रेंड्स अगर ये नया समीकरण आपको आई होप जो कि समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे आप शेयर भी कर दो यार अपने, क्योंकि हमेशा गुड करना इज़ वेरी गुड, अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है उन्हें भी किसी काम में आ जाए। ठीक है, तो और ये वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, और यार चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूले, थैंक यू वेरी मच।